जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम 2024 के लिए इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपकी परीक्षा के अंदर 50 प्रश्न आपको जीके एंड जीएस से देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो परीक्षाओं में कई सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक देखना है। बिल्कुल छोटा सा क्लास होगा दोस्तों, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर यहां से जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इस क्लास का डेली पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो साथियों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है, विटामिन की खोज किसने की। चार ऑप्शन हमें दिए गए, विटामिन की खोज किसने की। आपको भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहना। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कासिमीर फंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कासिमीर फंक ने विटामिन की खोज की, और कब की दोस्तों, तो 1912 में इसने विटामिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखना, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बताओ किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो साथियों, उपराष्ट्रपति याद रखिएगा जो राज्यसभा है उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित है। कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित है दोस्तों, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर, ये दोनों ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, इसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, जबकि पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों 12वीं सदी में हुआ था, और ये शिव को समर्पित एक मंदिर है। अगला, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। तो किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, बाबर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है हमारे पास, एफिल टावर कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास है, एफिल टावर कहाँ स्थित है दोस्तों, पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पेरिस में दोस्तों सीन नदी के किनारे, याद रखना ये एफिल टावर है और इसकी जो ऊंचाई है 300 मीटर है। अगला, नेक्स्ट है, यूनान की मुद्रा क्या है। दोस्तों यूनान की मुद्रा क्या है, तो राइट आंसर है दोस्तों यूरा। यूरो यूनान की मुद्रा है, और गिलबर्ड, याद रखना जो गिलबर्ड है याद रखिएगा ये कहाँ की मुद्रा है, तो नीदरलैंड की। और दोस्तों क्रोन, क्रोन मुद्रा है नॉर्वे देश की, और फ्रैंक मुद्रा है दोस्तों स्विट्जरलैंड की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, निम्न में से कौन भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो साथियों, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी, और इसका नाम पहले शुरू में हेली नेशनल पार्क था। अगला है, वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब 1975 में आपातकाल लगा था दोस्तों, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। लेकिन दोस्तों अगर प्रधानमंत्री पूछ ले 1975 के समय कौन थे, तो इंदिरा गांधी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी उस टाइम क्या थी, प्रधानमंत्री थी। अगला, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ताजमहल का निर्माण किया था। तो साथियों, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने इसको बनवाया था दोस्तों, और याद रखना 1983 में जो ताजमहल दोस्तों, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था।
जो संविधान सभा थी उसका पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो पहली बैठक हुई थी याद रखना 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। हुआ क्या था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। और वर्तमान में याद रखना हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है। अगला, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो साथियों नासा जो है याद रखना किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, यूएस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, याद रखिएगा। आगे अगर बात करें इसकी स्थापना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया नासा की स्थापना कब हुई, तो 29 जुलाई 1958 को याद रखना नासा की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है, पटियाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पटियाला साथियों पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था? तो भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है ना लोधी वंश था दोस्तों, लोधी वंश। और मैं आपको बता दूं पहला शासन किस वंश का था, तो गुलाम वंश आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास, लास्ट सफर की चित्रकारी ने किया, मतलब लास्ट सफर ये जो चित्रकारी है किसकी है, तो लियोनार्डो डा विंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये जो लियोनार्डो डा विंसी है इटली के महान चित्रकार और मूर्तिकार थे दोस्तों। अगला है ट्राई TRAI एक नियामक संस्था निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो साथियों ट्राई का संबंध याद रखना टेलीकॉम कंपनियों से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई और इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखना नई दिल्ली में है। अगला, पानी का पीएच मान क्या है? तो दोस्तों पानी का पीएच मान 7 होता है। आगे अगर बात करें 7 से कम पीएच मान अगर किसी विलयन का है तो वो याद रखना अम्लीय विलयन होता है, और 7 से अधिक पीएच मान वाला विलयन है ना क्षारी विलयन होता है, और 7 पीएच मान वाला विलयन जो होता है वो उदासीन विलयन होता है। और दोस्तों ये जो पीएच मान है याद रखना सिर्फ 0 से लेकर 14 तक ही होता है। अगला, निम्न में से कौन हॉकी के से संबंधित कोई ट्रॉफी या कप नहीं है? कौन सा हॉकी से संबंधित कोई ट्रॉफी या कप नहीं है? नारंग कप, गुरमीत ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बॉम्बे गोल्ड कप। तो साथियों नारंग कप याद रखना ये हॉकी खेल से संबंधित नहीं है, बाकी 3 हॉकी खेल से संबंधित है। और नारंग कप का संबंध साथियों बैडमिंटन, आपको याद रखना है बैडमिंटन से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? चार ऑप्शन हमें दिए, राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन साथियों याद रखिएगा, रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद तीनों के क्या थे, रचयिता थे। अगला, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि है ना में या के पास स्थित है? मतलब थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर पड़ती है, तो गर्दन के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, निम्न में से किसने 1881 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? तो साथियों 1881 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको निरस्त किसने किया था, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
कौन करता है? तो साथियों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अनुच्छेद 217 के तहत याद रखना, अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अगला, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा प्रतिबंधित होता है। किसके द्वारा प्रतिबंधित होता है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। टाइगर वुड्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ खेल से। और किस देश के हैं दोस्तों ये? तो याद रखना अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगला, असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारे पास है, निम्न में से किस शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? सुश्रुत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जो चरक है याद रखना ये आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमिड का संबंध है? तो शब्द स्टाइमिड का संबंध गोल्फ खेल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना एक शब्द ईगल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, ईगल का संबंध भी गोल्फ से है। और दोस्तों एक शब्द और है बर्डी, ये दोनों शब्द भी गोल्फ खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो साथियों ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। राजेंद्र गंगानी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों राजेंद्र गंगानी का संबंध कथक नृत्य से आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनका घराना भी एग्जाम के अंदर पूछता है कि ये किस घराने से संबंधित है, तो याद रखना इनका संबंध जयपुर घराने से था, ठीक है ना, राजेंद्र गंगानी। अगला, निम्नलिखित में से किस खेल से वेड ट्रॉफी संबंधित है? दोस्तों वेड ट्रॉफी का संबंध बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। दोस्तों अगला, केकोटिकली एक प्रसिद्ध नृत्य शैली की उपज है, मतलब केकोटिकली कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली आपको पता है कुचिपुड़ी। दोस्तों कर्नाटक से आपको याद रखना है डोल्लू कुनी था, और उसके बाद तमिलनाडु भरतनाट्यम आप याद रखिएगा। अगला, कोडेकनाल पहाड़ी इलाका कहां पर स्थित है? दोस्तों कोडेकनाल पहाड़ी इलाका कहां पर स्थित है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और तमिलनाडु में और भी पहाड़ी है दोस्तों, याद रखना ऊटी पहाड़ी तमिलनाडु में है, और नीलगिरी पहाड़ी भी कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। अगला, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? तो साथियों भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध महिला हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर हम्पी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्पी कर्नाटक में दोस्तों ये मंदिर है। आपको मैं बता दूं इसे राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनवाया था, और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन बताओ किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? तो साथियों क्रिप्स मिशन।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। विटामिन डी के अभाव से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन डी के अभाव से इनमें से सुखंडी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 40 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर आप इस क्लास को जरूर वॉच करा करें, डेली 10 बजे क्लास आपके सामने आती है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इससे पहले की क्लास अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां जाकर पिछली क्लासों को भी आप देख लें। तो पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।